हेलो हाँ ठीक है बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा खास नहीं हुआ ट्रैवलिंग तो
Thank you.
पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब मिंजर को आदेश दिया जाएगा। चलते रहना फिर कोई दिक्कत चलते नहीं भैया मेरी आपकी मिंजर सर पीछे पीछे सर Thank you.
दे 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 अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला के संदर्भ में यहाँ पधारा हूँ।
मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य कि आज इतनी दिव्य प्रतिमा मुझे देखने को मिली और राजा पृथ्वीराज बर्मन ने जिस जो युद्ध को जीत करके आया था और यहाँ पर उनको मिंजर लगाने का काम हुआ था, तब से जो ये परंपरा चल रही है, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आज यहाँ आकर करके स्पीकर साहब के साथ और अपने धर्मपत्नी के साथ डीसी के साथ यहाँ पूजन किया है और फिर मिंजर मुझे लोगों ने दिया भी है। तो वास्तव में अगर ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा प्रदेश जो हिमाचल है वह देवी और देवताओं को परंपरागत रूप से जो अपने में समेटे हुए हैं, अपने में लिए हुए हैं, उसकी प्रगति है कि देवता स्वयं किसी न किसी के ऊपर आ करके ये बताते हैं कि नहीं, हिमाचल आज देव भूमि है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने मुझे हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया, देव भूमि का राज्यपाल बनाया। देव भूमि के राज्यपाल बनाने के लिए जब मैं आया हूँ तो आज पठानिया साहब के आमंत्रण पर, डीसी के आमंत्रण पर मैं यहाँ आ करके अपने को इस पूजन में सम्मिलित कराया हूँ। और एक और आग्रह है कि देव भूमि है तो देव भूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आज परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हिमाचल को पूरी तौर पर नशामुक्त करने का काम। मैं निश्चित रूप से जब ये जानकारी हुई कि मुझे आना है तभी से आह्लादित महसूस कर रहा था और आज आ करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हर जगह मंदिरों में जा करके मूर्तियों को देखने का काम किया है और अद्भुत मूर्तियाँ, मतलब इस प्रकार की मूर्तियाँ देखने में भी जल्दी नहीं मिलती हैं। जो यहाँ मृत्युंजय महादेव का भी देखा तो मेरे मृत्युंजय महादेव से ही प्रार्थना है कि हिमाचल को पूरी तौर पर मृत्युंजयी बनाएं, जो अभी यहाँ प्रकृति का तांडव हुआ है उससे हिमाचल हुआ। सर अभी हाल ही में आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं हिमाचल में जो नुकसान हुआ है, तो क्या मानते हैं सर किस तरह की हिमाचल की मदद होनी चाहिए? नहीं, मेरा यह मानना है कि मैंने प्रधानमंत्री जी से हिमाचल की पूरी स्थितियों को बताया भी है, गृह मंत्री जी से भी मिला हूँ। गृह मंत्री जी इसके पहले हिमाचल प्रदेश को फौरी तौर पर दो बार 180 करोड़ रुपए दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने सेंट्रल टीम भेजी है। सेंट्रल टीम जो आकलन करके के जाएगी, फिर निश्चित मेरा यह मानना है कि उस आधार पर भी भारत सरकार और जब अब तो प्रधानमंत्री से भी मैंने कहा है तो हिमाचल की जो मदद होगी तो वह करने का काम करेंगे। अब सेंट्रल टीम के रिपोर्ट के उपरांत जो भी होगा वह बात पूरी होगी। पठानिया साहब भी जाने वाले हैं, ये भी हिमाचल के विषय में बात करेंगे। थैंक यू सर। चलो जी चलो भाई चलो। देखना लगी तो नहीं
I'm not
आओ जल्दी जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ यार ये कौन रघुनाथ मंदिर का करीब आप चल रहे भाई साहब आप थोड़ा तेज चलना है थैंक यू लगाना मत
मिर्जा परिवार के सदस्य करेंगे और जिला प्रशासन के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और ये अभी करने वाले हैं। मैडम इस साइड हो, इस साइड हो। वो भगवान रघुवीर को मिंजर अर्पित करने जा रहे हैं। एजाज मिर्जा जी रघुवीर महाराज जी को मिंजर अर्पित की, मिंजर मंदिर के पुजारी जी को सौंपी गई है और मंदिर पुजारी ने भगवान रघुवीर जी को मिंजर अर्पित की है। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए माध्यम से लाइव देख रहे हैं। एक मजबूत युगों युगों के पारिवारिक परंपरा को मिर्जा परिवार निर्वहन करता हुआ उनके साथ मौजूद नगर के अध्यक्ष नीलम नैयर जी पार्षद के सदस्य हैं जिन्होंने इस प्राचीन धार्मिक परंपरा को जो है वो निर्वहन किया है। अब हम मिर्जा परिवार से बात करना चाहेंगे कि वो इस जो धार्मिक परंपरा है जो बरसों से चली आ रही है उसके बारे में हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो चंबा वासियों को मेरी मंदिर की बहुत बहुत मुबारक। ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो रघुवीर जी को 17वीं शताब्दी में लाए थे और उस टाइम से ये प्रथा चालू है और तब से हम उस प्रथा को कायम रखा है, मंदिर चढ़ाते हैं। हमारा चंबा वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी चढ़ाई तक नगर परिषद सीईओ इलाके को सहूलियत में पति राजीव जी के साथ मंदिर को लघुवीर महाराज जी को अर्पित करते हैं। साक्षी बनते हैं Thank you.
Thank you.
राष्ट्रीय मिंजर मेले की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप जी ध्वजारोहण कर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का शुभारंभ कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। हम समस्त जिला वासियों की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए दोस्तों एक बार जोरदार आदर व सम्मान भरी तालियां माननीय राज्यपाल जी के लिए। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हिमाचल की प्रथम महिला नागरिक लेडी गवर्नर एवं राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा श्रीमती जानकी शुक्ला जी का भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैम के लिए भी जोरदार तालियां। हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, डलहौजी के विधायक श्री डी एस ठाकुर जी, पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, अध्यक्ष नगर परिषद श्रीमती नीलम नैयर जी, श्रीमती भारती नैयर जी, सभी पार्षद सदस्य निदेशक मंडल एचआरटीसी श्री सुधीश भरमौरी जी, आप सभी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय राज्यपाल के सचिव श्री संदीप कदम जी, उपायुक्त एवं अध्यक्ष मिंजर मेला आयोजन समिति श्री अपूर्व देवगन जी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव जी, जिला अस्पताल कल्याण अनुभाग रेड क्रॉस सोसाइटी चंबा की अध्यक्षा श्रीमती श्वेता देवगन जी, यहां उपस्थित सभी महानुभावों का, पत्रकार बंधुओं का आज के इस ऐतिहासिक दिन में स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों एक बार जोरदार आदर व सम्मान भरी तालियां आप सभी के लिए। आप सभी का बहुत आभार। हर्ष और समृद्धि का प्रतीक मिंजर मेला वास्तव में स्थानीय परंपराओं, देवी देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता और सामाजिक सौहार्द को इंगित करता है।
देवी हम सजनों अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष नगर परिषद श्रीमती नीलम नैयर जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को मिंजर भेंट करने के साथ साथ सम्मानित करें। महायुवतियों को मिंजर भेंट कर सम्मानित करें। उपायुक्त एवं अध्यक्ष मिंजर मेला आयोजन समिति श्री अपूर्व देवगन जी से मेरा आग्रह है कि वे माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जी को शॉल टोपी एवं स्मृति चिन्ह शिव प्रतिमा भेंट करने कल्याण अनुभाग रेड क्रॉस सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष श्रीमती श्वेता देवगन जी से हिमाचल की प्रथम महिला नागरिक लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी को सम्मानित करने के लिए श्रीमती श्वेता देवगन जी गर्म आ गया ये थोड़ा साइड बंद हो साइड
मेरा निवेदन रहेगा मेला समिति से ये भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने। विधायक श्री नीरज नैयर जी को सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा मेला समिति से कि वे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी को शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा मेला समिति से कि वे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी को सम्मानित करें। माननीय विधायक श्री डी एस ठाकुर जी, मेरा निवेदन रहेगा मेला समिति से कि वे पूर्व वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमोरी जी को भी सम्मानित करें। ये सारी टीम चंबा सर थोड़ा सा देवियों सज्जनों आपके मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया होगा सर। मेरा निवेदन Na 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 na
Thank you.
प्रस्तुति, कृपया जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा नाग सांस्कृतिक Thank you.
दर्शक सभी, कृपया जोरदार तालियां कलाकारों के लिए, बहुत आभार आपका। दूसरा दूसरा हमारा सादर आग्रह रहेगा उपायुक्त एवं अध्यक्ष मंदिर मेला आयोजन समिति श्री अपूर्व देवगन। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2023 के शुभारंभ अवसर पर माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी बतौर मुख्य अतिथि आज यहाँ पे हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी मिंजर ध्वज फहराकर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2023 का विधिवत शुभारंभ किया है। मैं माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच उपस्थित हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला नागरिक लेडी गवर्नर एवं राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा श्रीमती जानकी शुक्ल जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, श्री डीएस ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, अध्यक्षा नगर पंचायत श्रीमती नीलम नैयर जी, मिंजर मेला आयोजन समिति के सभी संयोजक सदस्यगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, प्रेस प्रतिनिधि का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यहां मौजूद सभी कलाकार, खिलाड़ी, बच्चे, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सावन माह के दूसरे रविवार को आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का अपना अलग ऐतिहासिक महत्व है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक माने जाने वाला यह मेला स्थानीय परंपराओं के साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। कालांतर में जब चंबा के राजा ने कांगड़ा पर विजय प्राप्त की थी, तब राजा के वापस आने के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें मक्का और धान की मिंजर भेंट कर उत्सव मनाया था, उनका स्वागत किया था। जिला चंबा अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध लोक संस्कृति के लिए विख्यात है। चंबा चप्पल, चंबा रुमाल को GI टैग हासिल हुआ है, जिससे जिले की पहचान पूरे विश्व में है। जिले की एक और प्रसिद्ध कलाकृति चंबा थाल को भी GI टैग के लिए भेजा गया है और प्रक्रिया जारी है। महोदय, इस बार कला एवं शिल्प मेले को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। इससे जिला के कलाकारों, शिल्पकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने के साथ अपनी आर्थिकी को सशक्त बनाने के लिए एक उत्कृष्ट मंच मिलेगा। महोदय, 8 दिवसीय इस मिंजर मेले के दौरान बहुआयामी गतिविधियों को आयोजन किया जा रहा है। इनमें खेलकूद प्रतियोगिता भी शामिल है। जिला चंबा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए काफी जागरूक है और इसका व्यापक संदेश देने के लिए इस मेले का थीम ग्रीन चंबा क्लीन चंबा रखा गया है, जिससे हमारा ये मकसद है कि सभी चंबा जिला वासियों की मदद से चंबा को की साफ सफाई पे खासा ध्यान दिया जा सके। हर वर्ग की रुचि के अनुरूप सांस्कृतिक संध्या में उत्कृष्ट कलाकारों का चयन किया गया है। बॉलीवुड, पंजाबी, चंबियाली, हिमाचली एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को इस मेले में मंच दिया जा रहा है। माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी का हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला नागरिक लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ला जी, साथ में माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं पुनः इस मेले में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।
राज्यपाल महोदय जी से कि वे खेल कूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करने के लिए कृपया मंच पर आए माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। मैं मिंजर मेले के दौरान आयोजित की जाने वाली खेल कूद प्रति स्पर्धाओं को आरंभ करने की विधिवत घोषणा करता हूं। है आपके समक्ष जो गली विधि करवाई जा रही है इसे काटा कहा जाता है। ये लड़ाई लड़ने और आत्मरक्षा के गुर का मिश्रण होता है। कराटे में किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि इसमें जो व्यक्ति है वही एक चलता फिरता हथियार बन जाता है। कराटे पूर्णतया खाली हाथ से लड़ने की कला है। कंचन जम्वाल माननीय ये लड़ाई लड़ने और आत्मरक्षा के गुर का मिश्रण होता है। कराटे में किसी भी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बल्कि इसमें जो व्यक्ति है वे ही एक चलता फिरता हथियार बन जाता है। कराटे पूर्णतया खाली हाथ से लड़ने की एक कला है। कनिष्का महाजन यात्री मेडलिस्ट विदांश व ईशांत सॉरी ईशांत ठीक है तो खाली करेंगे ना कबड्डी है तो खाना मेरे को
बहुत ही खूबसूरत किया, जो बात आई है बच्चों के लिए। सर सामने जी, सर थोड़ा सा, थोड़ा नीचे। प्रताप शुक्ल जी से मेरा सादर आग्रह है कि वे हमें अपने अशीर्य वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष श्रीमती जानकी शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, माननीय विधायक श्री डीएस ठाकुर जी, पूर्व मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, राज्यपाल के सचिव श्री संदीप कदम जी, उपायुक्त एवं मेला समिति के अध्यक्ष श्री अपूर्व देवगन जी, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव जी, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में उपस्थित, मीडिया से सभी जुड़े हुए मित्रों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर अपनी नैसर्गिक सुंदरता और समृद्ध लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध चंबा जिले का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ के जनमानस को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। राज्यपाल के तौर पर मेरा चंबा जिले का यह प्रथम दौरा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ऐतिहासिक मिंजर उत्सव के अवसर पर ही यहां आया हूं। हिमाचल प्रदेश विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को सजोकर रखने वाला राज्य है। ऋषि मुनियों की तपस्थली कही जाने वाली इस धरा पर आज भी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा विरासत अक्षुण बनी हुई है। लोक साहित्य, लोकगीत, संगीत, लोक गाथा, लोक परंपराओं, मेलों, त्योहारों, देवालयों और देव संस्कृति में प्रदेश की संस्कृति विभिन्न आयामों में यहाँ संरक्षित है। हिमाचल प्रदेश का हर गांव, हर शहर एक अपनी अपनी संस्कृति लिए हुए इसके अलग अलग पन्ने हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार के संस्कृति की देवों का मिलन भी होता है और उस देवों के मिलन के साथ साथ लोग अपने अपने कार्यक्रम करते हैं।
मिंजर उत्सव में भी जो लोक धारणाएं गाथाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु निस्संदेह मैं ये कह सकता हूं कि अभी मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से, विधायक नैयर जी से इस संदर्भ में चर्चा कर रहा था। राजा के विजय के साथ जब वो विजयी होकर करके आते हैं बर्मन वंशज के, और जब अपने प्रजा के बीच में आते हैं तो प्रजा उनका स्वागत, धान और मक्के के मिंजर से करती है, फूल और मालाओं से तो जो स्वागत होता है उसका एक अलग विषय होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने उस समय धान और मक्के के मिंजर को से स्वागत किया, राजा को भेंट किया, वह प्रतीक था कि राज्य धन और धान्य से पूरी तौर पर परिपूर्ण था। इस नाते लोगों ने उसको और बढ़ाने के लिए राजा का इस प्रकार के स्वागत करने का काम किया। आज के परिपेक्ष में भी यह परिलक्षित होता है। चंबा के चौगान मैदान में जुटने वाला ये उत्सव सामुदायिक सौहार्द का प्रतीक है। देवी देवताओं का इस लोक उत्सव में सम्मिलित होना इस बात का परिचायक है कि धार्मिक आस्था वो लोक जीवन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जब हमें आमंत्रित करने के लिए कुलदीप सिंह पठानिया जी गए थे, जो विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, उपायुक्त अपूर्व देवगन गए थे, तो सबके मन में इस बात का संशय था कि अब की बार जिस प्रकार से भारी बारिश के कारण हिमाचल के कई जिलों का नुकसान हुआ, जानमाल की क्षति हुई, प्राकृतिक आपदा से में अनेक लोगों के जीवन भी गए, जाने भी गए, मैं यहां उपस्थित हूं आप सभी लोगों की तरफ से, हम उन आत्माओं के शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन जब ये लोग हमारे पास आए थे तो भी एक संशय बना हुआ था कि उस दिन पता नहीं क्या हो, कि मेला हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जब हम यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है कि चंबा वासियों पर लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कृपा है कि इस दृश्य के साथ साथ हम लोग यह कार्यक्रम मना रहे हैं। मित्रों, हिमाचल का आपदा में नुकसान बहुत हुआ। बीच में मैंने माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह से बात भी किया था। यहां के आपदा के संदर्भ में बताया भी था। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि एयरफोर्स के फाइटर पायलट जो हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे, रेस्क्यू बिना मैदान के, बिना हेलीपैड के, बिना जमीन पर उतारे हुए हेलीकॉप्टर को लोगों का रेस्क्यू करने का एक अद्भुत काम एयरफोर्स के लोगों ने किया, मैं उनकी सराहना करता हूं।
और जब मैंने अमित शाह जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, इस आपदा पर पूरी तौर पर मेरी नजर है। और उसी समय उन्होंने 180 करोड़ रुपए पहली किस्त देने का काम किया था, फिर दोबारा 180 करोड़ रुपया देने का काम किया। हम लोगों के आग्रह पर उन्होंने केंद्रीय टीम भी भेजी है, उस टीम के आकलन के बाद वास्तव में हिमाचल प्रदेश में हुई इस आपदा में नुकसान का पूरी तौर पर जानकारी हो सकेगी। सड़कें कटी हैं, फोर लेन कट गए, हम भी कई स्थानों पर जाकर के देखे। और इसी संदर्भ में अभी एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी भेंट हुई, अमित शाह जी से भी भेंट हुई, उनसे भी हिमाचल की चर्चा किया हूं। हिमाचल के ही नहीं, हिमाचल के बाहर के लोगों पर भी यहां के नुकसान की चर्चा है, उनके जुबान पर चर्चा है। मैं इसके लिए मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मीडिया के बंधुओं ने अपने को खतरे में डाल करके उन स्थानों को जहां नुकसान हुआ था जाने का काम किया, उसको दिखाने का काम किया, नुकसान को कि किस तरह से नुकसान हुआ इसको दिया। मैं निश्चित रूप से मीडिया के लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत सरकार ने जो 300 करोड़ रुपया दिया केवल वही फौरी राहत मुझे लगता है नहीं, बल्कि अन्य भी राहत हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए। और इसके लिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात कर करके उनसे आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है। मेरा आग्रह है कि इस आपदा के समय सरकार भी काम करती है, पुलिस भी काम करती है, स्थानीय प्रशासन भी काम करता है, लेकिन अन्य जो लोग हैं चंबा ही है, चंबा में अनेक प्रकार के हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उन लोगों को भी आगे बढ़कर करके उन लोगों के लिए मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। स्वयंसेवी संगठन है, उनको भी मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। मैंने राजभवन से रेड क्रॉस के माध्यम से भी आपदा सहायता के रूप में 7 गाड़ियों को भेजने का काम किया है। मैं इसके लिए रेड क्रॉस को भी धन्यवाद दूंगा। इस नाते हम सब लोग जुट कर करके हिमाचल के उन्नत के लिए कार्य करें। मित्रों, ये बहुत उत्साह का समय है और मैं सामने देख रहा हूं बच्चे किस प्रकार से अद्भुत प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस अद्भुत प्रदर्शन का समय तब रहेगा जब उनके शरीर में ताकत रहेगी। यह देवभूमि हिमाचल के बच्चे युवा नशे की लत लगा करके अपने ताकत को बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। लोग जानते हुए भी घरों में कि यह ड्रग्स ले रहा है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं संकोच बस बोलते नहीं है। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के भी माध्यम से, जो यहां उपस्थित है उनके माध्यम से, नशे की विरुद्ध लड़ाई में प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, मंत्री, पुलिस प्रशासन, ये सभी लगे हुए हैं।
लेकिन जब तक जन जागरूकता नहीं रहेगी तब तक ये सारे के सारे फेल हो जाएंगे। इस नाते हिमाचल वासियों को इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाना पड़ेगा, वो पंचायतों में हो, पंचायत के लोग लेकर के शपथ लें, वो विद्यालयों में हो, विद्यालय के अध्यापक अपने बच्चों को जागरूक करने का काम करें, स्काउट के बीच में हो, रेड क्रॉस के बीच में हो, एनसीसी के बीच में हो, एनएसएस के बीच में हो, सब मिल करके हिमाचल को जो आज घर कर गया है उसके लिए लड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, मिंजर महोत्सव आपसी सौहार्द का प्रतीक भी है, सौहार्द किसी भी रूप से खंडित न हो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। आज समाज में ऐसे अनेक असामाजिक तत्व हैं जो संस्कृति पर चोट करने से नहीं चुकते हैं, ऐसे लोगों से सभी को सावधान रखने की आवश्यकता है। यहाँ की विरासत को बचाने की आवश्यकता है, लोक संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है। इसी लोक संस्कृति के नाते जिसका प्रदर्शन अभी यहाँ हो रहा था नृत्य और गायन के द्वारा, हमारी हिमाचल की संस्कृति बची हुई है। बाहर कहीं भी जाइए तो इस बात की चर्चा होती है कि हिमाचली संस्कृति अद्भुत संस्कृति है, इसको हमें बचाना चाहिए। इस मंगल कामना के साथ उत्सव का आयोजन सभी पहलुओं से सफल रहे, सभी के जीवन को प्रफुल्लित रखे, मैं उत्सव की आयोजन समिति के हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। अंत में मैं चंबा वासियों को इस महापर्व पर बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि यह मेला जीवन में नई उमंग और खुशियां लेकर के आए, क्योंकि जो आशंका थी पठानिया जी की और अपूर्व की, उस आशंका को मैंने अपनी दृढ़ता के साथ कि नहीं चंबा जाना ही है और जाकर के इस मेले का शुभारंभ करना है, आया और देवताओं ने मेरी भी सुनी कि आज वह इतना अच्छा दिन कर करके उत्सव के माहौल को बनाए हैं। मैं निश्चित रूप से इस मेले की सफलता की एक बार पुनः कामना करता हूं और तब तक यह इसी प्रकार से बना रहे जब तक मुख्यमंत्री आकर के इसका समापन न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कबड्डी मैच के खिलाड़ियों से परिचय करते हुए माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, इसके पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों और कला एवं शिल्प मेले का शुभारंभ और अवलोकन भी करेंगे। ये सर जी काफी हो गया।
सिक्योरिटी तो हट जाओ सर थोड़ी सी नहीं होगा चलते रहो प्लीज प्लीज आइए फोटो चंद्र भाई साहब ना चंद्र प्लीज आगे आगे सर अमेजोन पर भी अवेलेबल है सर ये ग्रीन ग्रीन सर प्योर एप्पल प्योर एप्पल जूस सर ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में संजय निषाद है ना जी 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 डॉक्टर संजय मेरे फ्रेंड भी है ना वो मुझे बहुत भेजा था हाँ और अब निश्चय हो गया पीछे ना यही सर हमारे पास रोज वाटर है ये सर एचपीडी प्रोडक्ट है मैंने ये आप दूसरे मिला के पी सकते हैं अभी तो इसकी बात सर ये लोकल स्पाइसेज हैं सर चंबा के हैं फिर ऐसी बोलना भी अच्छा यहाँ पर
ये आप सब लोगों का प्रोडक्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य बनकर के काम करने में कुछ आनंद आ रहा है? नहीं, जैसे हमने जो देखा कि पार्लियामेंट मेंबर के तौर पर भले कुछ परेशानियां थी, इधर जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से ऋण की बात प्रधानमंत्री ने किया, तब से कुछ फायदा हुआ कि नहीं? इसमें से जनधन खाता किसका है? तो हमको एक बात बताओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का वे कर रही हो कि जनधन खाता अगर नहीं है, भाई जनधन खाते तो बैंक के लोग स्वयं जा करके खोले हैं, आप लोगों ने नहीं उस वो किया। तो मान लीजिए अगर कोई आपको भारत सरकार से पैसा आता है, तो कैसे लोग आपका अपना खाता है उस खाते को शो करके ले? बैंक लिंकेज के साथ बहुत ही अच्छा हमारा चंबा का नंबर वन पे रहा है इस बार, क्योंकि बैंक लिंकेज जो रहती है वो विशेष तौर पर इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि उसमें इनको 4% की दर से ब्याज सब्सिडी भी मिलती है जी। और बहुत ही अच्छा सर, अभी लेटेस्ट हमारे 10 लाख के लोन इनके हुए हैं, ये PMF है कि नहीं? हाँ जी, 10 लाख से ग्रुप ले सकता है, अभी हमारा 11 साल हुए, 12 साल चले। आप बताएं आपको कितना बैंक लोन मिला है? सर मिला अभी 10 लाख, अभी 10 लाख का मिला सर। कब मिला सर? अभी 7-8 महीने हो गए, तो बर्तन टाइम पहले हमें 7 मिला था, तो पूरा भरा टाइम से, और अपनी बेटी की शादी करके उसमें हमने यूज़ किया, तो अपने ग्रुप को मिलता है ना, जो दो एक एक लाख आए तो फायदा। सर इनपे जैसे थर्ड टाइम की डोज इनको मिल चुकी है, 5 लाख तक की फंडिंग हुई, और थर्ड जो डोज है इनको 10 लाख की। हाँ जी सर, काफ़ी साल हो गया ना, फायदा तो ले। धन्यवाद। अगर आप लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में फायदा मिलता है तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, इसको और आगे बढ़ाइए। चंबा वालों को मंत्री तो बनाते नहीं है, ले जा करके विधानसभा अध्यक्ष तो हम लोग आप लोग जो हमारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज का सारा इकोसिस्टम,
जिसमें सर हमारे स्वयं सहायता समूह जो कार्य करते हैं। ब्राउन शुगर, ज्वार और ड्राई फ्रूट। कौन सा ब्राउन शुगर मैम को नहीं। इसकी मार्केटिंग हो पाती है क्या? श्रीनगर में गए, जम्मू में गए, शिमला बिहार में शुगर कंटेंट बहुत कम। तो बढ़िया पर मैम मैं आपके भी आपके बता देता हूँ। सर वैसे खाने के उत्पादों के अलावा साबुन सर और मार्केट ही चाहिए तभी फायदा हो। मार्केट में ये सारे ये सारे हमारे हम चंबा के साथ हमारे महिला मंडल के जो उत्पाद हैं वो भी प्रमोट हो सके। सर ये मैडम का एक स्वयं मैडम का अपना जो ग्रुप है सर, ये प्रिंटिंग का प्रिंटिंग वाले काम करता है, टी शर्ट प्रिंटिंग वाले काम ला करते हैं, साथ में चंबा रुमाल भी कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। चंबा रुमाल तो आपने देख लिया सर, दोनों साइड से सेम होता है, तो ये हमारे साइड में कुछ ग्रुप्स में ये भी बनाते हैं। अलग अलग पहले वाली क्या नहीं चलो चलो सर जगह वही रहना वही रहना सर इलेक्ट्रिसिटी थैंक यू सर कंज्यूमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। NHPC has been showing strong financial performance over the years. In the financial year, sir, एक मिनट, एक मिनट, सर, एक मिनट। NHPC generated 24,855 million of 23,610 million. NHPC has worked with utmost dedication to bring progress. ये हमारा सर मॉडल है यहाँ का, चमेरा 2 पावर प्लांट है। तो यहाँ पर बग्गा है जहाँ पे हमने डैम बनाया हुआ है, तो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर मतलब बग्गा से 8 किलोमीटर दूर 8 किलोमीटर की चाटी लेके रजेरा लोकेशन है जहाँ पे हमारा 300 मेगावाट का पावर स्टेशन है। और क्यों आप बता रहे हैं क्यों आप पावर चला गया? अरे यार बहुत देर हो रहा है, प्लीज प्लीज यहाँ पे 5 तरह के
हमने लगाए हैं। एक तो सर हिमालय किसी है हम पेड़ से कंपनी और एक चंबा वैली हम पेड़ से कंपनी ये सर इनके हर्बल एक्सट्रैक्ट इन्होंने बनाए हैं, कुछ रेडीमेड फूड्स इन्होंने बनाए हैं। तो ये है सर इनके एसेंशियल ऑयल्स हैं, हल्का सा थोड़ा सा स्मेल ये इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया। ये सैलूनी बेस्ड है। अच्छा अच्छा। और ये जो एक और है FPO वो महिला बेस्ड है। एक सर एस एच ई है यहाँ पर वो चंबा ब्लॉक का ही है और सर एक पांगी हिल्स यहाँ पे है। पांगी हिल्स जितने भी पांगी के प्रोडक्ट्स हैं और भरमौर के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ये लोग उदयपुर यहाँ पे ये थोड़ा वैसे चलते रहो भाई पीछे में भाई साहब आपके हर जगह अपने फोटो लगवाए पूरी हिमाचल रस्सी छोड़ दो रस्सी छोड़ो नहीं ये एक बैग नहीं छोड़ सकते ना आस पास मौसम के लक्षणों के बारे में जागरूक है और यदि आपको या आपके लक्षण महसूस हो रहे हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और निःशुल्क जांच करें। सरकार ने प्रधानमंत्री भारत अभियान की शुरुआत की जो इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रयास है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस अभियान में अपना समर्थन दें और सभी मरीजों के संग खड़े होकर के उन्हें आवश्यक आहार और पोषण सामग्री प्रदान करें। इससे लड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान दें। इस अभियान के तहत निक्षय यार आगे सर कितना गैप तो रखो बेटा आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ आप
खाली कर दो जगह नहीं फिर एकदम से धक्का लगेगा ना फिर इससे अच्छा लगेगा बोलेंगे बदतमीजी कर रहे हैं चलो भाई सोनी भाई सुनो ये महिला सशस्त्रीकरण क्या नाम है आपका दे दीजिए मंदिर आप सर ये हिमाचल में देखो आगे हो जाओ सर भैया आ जाओ भैया यहाँ देंगे यहाँ देंगे यही देंगे आ जाओ भैया आ और जो भी हमारे चंबा के हमें साफ दिया गया है
आ जाओ सर, आ जाओ पीछे। अच्छा ये अपना नाम बताइए। ये ओरिजिनल स्टाइल है था सर, अगर आदमी में चप्पल की बात करें ये था ओरिजिनल सिक्स जनरेशन हो सर अपनी फैमिली में मैं और पापा भी मेरे काम करते हैं आपकी रेट में सर। और अभी चप्पल में जो थोड़ा चेंजेस करने जा रहा हूँ मैं, इसको सॉफ्ट बनाना चाहिए, हार्ड का इसका रहता है ना, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी हैदराबाद में कुछ लिमिटेड आइडियाज कभी इसकी मार्केट पूरी मैनुअल है सर, पूरी मैनुअल मशीन नहीं है सॉफ्टवेयर होगा जी सॉफ्टवेयर तभी उसको लेकर करके के कहीं न कहीं सर बहुत जल्दी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। करो मेटल प्रोडक्ट आप बताइए अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मेरी टेंशन जैसे मैं जब इसे मैं बनाया जो अपन वैसे हमने स्ट्रक्चर हटा दिए उसके लिए इधर आ जाइए, कार्ड बताइए अपना नाम, इंट्रोडक्शन दीजिए सर को अपनी डिश। और थोड़ा से मेरा ये पट्टी है मोरी ड्रेस गद्दी बना दान है, इसका काम करता हूँ। ये हमारा जो पहला ये बताओ ये टोपी जो आप पहने हुए हैं, हाँ जी
हिमाचल में तो चल चल, हिमाचल के बाहर अगर कोई जा करके इसको पहने तो कैसे पहने? ये वूलन कॉटन, बाहर जब जाएगा नहीं, उसके लिए दूसरे भी कॉटन देखिए। चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जैसे सर का दीजिए, मेरा नाम है इतना बनाने रुकी है ठीक है सर, ठीक आ जाओ आ जाओ, अभी होगी चल तो ले लेते ना। हाँ हाँ चल चलिए सर, आ जाओ। क्या मोम है जी सर? ये सर साबुन है, साबुन है सर, साबुन सर। तो सर इन सबके सहयोग से सर ये आधा दिन हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट यहाँ यहाँ सर। ऑल द बेस्ट। इनकम होता है तो 20 है।